पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में मिजल्स रुबेला अभियान की समीक्षा करते हुए नगरीय क्षेत्र में मात्र मिजल्स रुबेला अभियान में 48% कवरेज होने पर शहर के पार्षदों को अपने क्षेत्र और शहर में सक्रिय योगदान देकर रुबेला अभियान में 100% प्राप्ति करने का आह्वान किया। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में मिजल्स रुबेला अभियान में प्रगति खराब होने के कारण ही बैठक आहूत की गई है। उन्होंने बताया कि ये महत्वपूर्ण अभियान है, सभी पार्षदगण मिजल्स रुबेला अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर छूटे हुए बच्चों का 100% टीकाकरण कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि डोर टू डोर अभियान में अपना सहयोग दें, जनप्रतिनिधि के नाते स्वयं भी जानकारी रखें और स्वयं पहल करें और अपने आप में शक्ति विकसित करें। सभी पार्षदगण शासकीय योजनाओं की भी जानकारी रखें और जनता को लाभान्वित करें। जिलाधिकारी ने मिजल्स रुबेला अभियान में लगे सभी जोन प्रभारियों को अपना मोबाइल नंबर पार्षदों को उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए नगरीय क्षेत्र में 7 जोन 5 में खराब प्रगति होने पर आपस में सामूहिक रूप से कार्य पर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ANM भी पार्षदगणों से वार्ता कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, कम प्रगति वाले जोन में अच्छा कार्य कर लक्ष्य की 100% प्राप्ति करनी होगी। इसमें काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जैसे हमारा जो DIOS के जो कॉलेज, जो भी शहर के जो कॉलेज हैं DIOS के, उनका जो कवरेज है वो 85% है। मीनिंग दियर भाई कि जितने भी इंटर कॉलेज हैं, जितने भी हमारे हाई स्कूल हैं, जितने भी पब्लिक स्कूल हैं जो इंटरमीडिएट कॉलेज स्तर के हैं, उनमें परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहा, 85%, क्योंकि नेट पे पढ़ने की सुविधा सारी चीज़ें। इसी तरह से बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो स्कूल थे, मतलब प्राइमरी स्कूल 1 से लेकर 8 तक, खासतौर से सरकारी, उनका जो है कवरेज 75.8% रहा। और सबसे खराब स्थिति जो है मदरसों की थी, कुल 63 मदरसे शहर में थे और इसमें जो केवल 7,906 बच्चों का लक्ष्य था, लेकिन मात्र इसमें जो परसेंटेज है वो 37.6% है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जो है लोगों को, इसीलिए आज हमने बुलाया था आप लोगों को कि कम से कम जिसके भी क्षेत्र में, जिन माननीय पार्षद के क्षेत्र में जो भी स्कूल पढ़ते हों, वहाँ पे पता चला कि इसको, इन लोगों, ये लोग कैंप की तिथि, जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये कैंप्स की तिथि तय करें आज, और उसमें आप लोग इनको सहयोग करें और ये कोशिश करें कि वहाँ पे जो है 100% टीकाकरण होना चाहिए। क्योंकि इतना सारा जो है काफ़ी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वहाँ पे हमारा 85% जो है टीकाकरण चल रहा, 75% शहर में ही। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो मदरसे हैं उनमें टीकाकरण जो है वो ना के बराबर हो। ये केवल एक जो है परंपरागत रूढ़िवादी विचार है, अगर किसी के दिमाग में कुछ है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। इतने सारे बच्चों का टीकाकरण हो गया, 52,000 बच्चों में 45,000 बच्चों का टीकाकरण हुआ, इसी तरह से बेसिक शिक्षा के 78,000 बच्चों में 60,000 बच्चों का टीकाकरण हुआ और यहाँ पे 10,000 बच्चों में मात्र जो है 2,000 का टीकाकरण हुआ। तो ये जो है बिल्कुल ही मतलब ठीक नहीं है। और इसमें आप लोगों को, जब तक इसमें जनप्रतिनिधिगण और सारे लोग वहाँ पे मिल करके जो लोग कर रहे हैं संचालन, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको बताएंगे, जब हमारी टीम डेट फिक्स करती है उस तिथि को बच्चे ही नहीं आते, जबकि इसमें होता है पहले बच्चों की काउंसलिंग होती है, अलग अलग टीके भी लगाए जाते हैं ताकि एक बच्चे को देख करके दूसरे बच्चे पे कोई ये ना हो कि सुई लग रही है तो उसको डर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पता चला कि बहुत कायदे से इन लोगों ने सेशन ऑर्गेनाइज किए थे। तो वो उनके सामने बात रखी गई कि ऐसा नहीं कि अगर एक जगह हादसा हो जाए तो सभी जगह हादसा हो जाएगा।